400 पार नहीं, 400 हार याद आ रही है उन्हें। और 400 पार का जो नारा दिया था उसको हम लोग बाद में समझ पाए। हमारे साथी जानते होंगे कुछ लोकसभा के बारे में जो गिनती है, जो लोकसभा के सांसद हैं वो लोकसभा में 543 बैठते हैं, और अगर ये बीजेपी वाले 400 पार की बात कर रहे थे तो बताओ 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं? 100। इस बार इन्हें 143 भी नहीं मिलेंगी। इस देश की जो 140 करोड़ की जनता है वो इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी, और इसलिए तरसाएगी क्योंकि इस बार इन्होंने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, हमारी माताएं बहनों को धोखा दिया। इस बार इन पर ये तीनों लोग मिलकर के वार करने जा रहे हैं, त्रिकोणी वार होने जा रहा है। हमारा किसान तो पहले से ही दुखी नाराज है इनसे, क्योंकि किसानों को कहा इन्होंने कि आय दोगुनी हो जाएगी। मुझे सुनने में आया है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और जिनको कोई नहीं जानता वो उप मुख्यमंत्री कई बार आए हैं यहां, कई बार आ गए हैं, और उन्हें पता है कि घोसी का परिणाम क्या था। उन्हें जब घोसी का परिणाम पहले ही पता है तो सोच लिए क्यों आ रहे थे। वो इसलिए आ रहे थे कि आप अपने वोट के दिन सावधान रहना। बताओ वोट के दिन आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया था वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि एक एक नौजवान को इन्होंने जब कभी परीक्षा देने गया तो इन्हें धोखा मिला है। कोई परीक्षा ये सरकार नहीं करा पाई। जब भी परीक्षा हुई इस सरकार में पेपर लीक हो गया, और पता नहीं कहां पर लीक है जो अभी तक सरकार लीक ही नहीं रोक पाई है। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और जो नौजवान जानता होगा, जिसने परीक्षा की तैयारी की होगी, पढ़ा लिखा, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। और याद रखना नौजवान साथियों, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं, और इसलिए पेपर लीक कराए हैं जिसे नौजवानों को उन्हें नौकरी ना देनी पड़ जाए। इन नौकरी की वजह से न केवल आपका भविष्य अंधकार में डाला है, बल्कि हमारे नौजवान साथियों सोच न जा करके घर बैठ करके 10 साल में जो आपको बेरोजगार बनाया है, नौकरी नहीं दी है, आपका एक तिहाई जीवन इन्होंने बर्बाद करने का काम किया, एक तिहाई जीवन बर्बाद कर दिया। और यहाँ का मौका नौजवान यही गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ और आस पास के गोरखपुर के नौजवान तैयारी करते थे फौज की, खेतों में दौड़ के मैदानों में तैयारी करते थे, दौड़ दौड़ करके सुबह इस बात की तैयारी करते थे, सोचते थे कि उन्हें फौज में नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिलने के बाद वो वर्दी पहन करके देश की रक्षा करेंगे। लेकिन इस सरकार ने ये जो आधी अधूरी नौकरी की व्यवस्था की है, जो अग्निवीर वाली व्यवस्था की है, हमारा नौजवान जानता होगा ये जो अग्निवीर व्यवस्था है इसमें न पक्की नौकरी मिलनी है, न नौकरी अगर मिल भी गई और फौज में अगर चले भी गए और अगर शहीद हो गए तो न केवल आपको धोखा मिलेगा वहां पर, न शहीद का दर्जा मिलेगा, न सुविधा।